हाय हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज का ये वीडियो जो है सभी महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए है। इनके लाइफ में फर्स्ट पीरियड से लेकर लास्ट पीरियड तक यानी मेनोपॉज तक बहुत सारे चेंजेस, परिवर्तन दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी दिखाई देते हैं। अगर आपको भी मासिक धर्म से संबंधित, पीरियड से संबंधित कोई समस्या है, जैसे कि पीरियड्स में बहुत ज़्यादा खून जाना या फिर बहुत कम खून जाना या फिर बहुत ज़्यादा दर्द होना या फिर वाइट डिस्चार्ज दिखाई देता है या फिर यूरिन इन्फेक्शन बार बार होता है, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आयुर्वेदा में एक बहुत अच्छा आयुर्वेदिक वुमेन्स हेल्थ टॉनिक है, जो बहुत सेफ और बहुत नेचुरल है, जिसका नाम है हेम पुष्पा। तो इस वीडियो में हम हेम पुष्पा के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं, तो ये वीडियो एंड तक देखिए। हेम पुष्पा एक ट्राइड एंड टेस्टेड आयुर्वेदिक फॉर्मूला है, जिसमें बहुत सारे आयुर्वेदिक गुणकारी औषधियों का समावेश मिलता है, जैसे कि इसमें अशोक, लोद्र, मंजिष्ठ, गोक्षुर, पुनर्नव, नागरमोथा या फिर बल, अनंत मूल, ब्राह्मी, शतावरी, इस तरह की आयुर्वेदिक औषधियाँ पाई जाती है। तो आइए देखते हैं हेम पुष्प लेने से क्या क्या फायदे मिलते हैं। अगर आपको पीरियड से संबंधित कोई समस्या है, जैसे कि पीरियड्स में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है या ब्लीडिंग बहुत कम मात्रा में होती है या पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, बैक में दर्द रहता है या फिर पैरों में दर्द रहता है, तो इन सभी के लिए हेम पुष्प बहुत लाभदायक है। इसके साथ अगर आपको वाइट डिस्चार्ज होता है, यूटेरस में यानी गर्भाशय में इन्फेक्शन है या उसको सूजन आई हुई है या आपको बार बार अबॉर्शन होता है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, तो इन सभी के लिए भी हेम पुष्प बहुत अच्छी टॉनिक है। और जिन महिलाओं में रजोनिवृत्ति के बाद यानी मेनोपॉज के बाद बहुत ज़्यादा थकावट फील होती है, आलस आता है, काम करने का मन नहीं करता है या फिर जिनके हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा जलन होती है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, जिनकी वेट गेन की टेंडेंसी है, जिनको भूख नहीं लगती है, खाना खाने का मन नहीं करता है, इन सभी समस्याओं के लिए भी हेम पुष्पा बहुत लाभदायक है। इसके अलावा जिन महिलाओं में बार बार यूरिन इन्फेक्शन होता है, जिसके वजह से उनके पेट में दर्द होता है या फिर यूरिन में बर्निंग सेंसेशन होता है या फिर यूरिन का फ्लो अच्छे से नहीं रहता है, वो लोग हेम पुष्पा का सेवन कर सकते हैं। या फिर जिन लोगों में खून की कमी है, जो लोग एनीमिक है या फिर कैल्शियम की कमी है, वो लोग भी हेम पुष्पा का सेवन कर सकते हैं। या फिर मानसिक विकारों में यानी जिन लोगों को जल्दी गुस्सा आता है, इरिटेशन होता है, चिड़चिड़ापन रहता है या फिर स्ट्रेस एंजाइटी रहती है, नींद नहीं आती है, वो लोग भी हेम पुष्पा का सेवन कर सकते हैं। हेम पुष्पा लेने से क्या होता है, नींद अच्छे से आती है, मन अस्थिर जो रहता है वो स्थिर हो जाता है, मन शांत रहता है। इसके साथ हेम पुष्पा जो है ब्लड प्यूरिफायर की तरह भी काम करता है, यानी ये खून को साफ करने के लिए भी मदद करता है, जिससे आपकी स्किन हेल्थ जो है इम्प्रूव हो जाती है। और जिन लोगों में हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या है, वो लोग भी हेम पुष्पा ले सकते हैं, ये हार्मोन्स को नॉर्मलाइज करने के लिए मदद करता है। तो आइए देखते हैं हेम पुष्पा का सेवन कैसे करते हैं, इसकी सेवन विधि क्या है। जब हम हेम पुष्पा टॉनिक खरीदते हैं, उस पैक में एक टॉनिक आता है और एक टैबलेट का स्ट्रिप आता है। इसे हमें सुबह और शाम में खाना खाने के बाद लेना है। टॉनिक जो है 7 ml पानी के साथ 2 times लेना है, उसके बाद एक एक टैबलेट लेनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।